तो इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के डाउट ले रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 16th है, 16th का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहे हैं शो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाई, ये लिखा नहीं आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ किताब में, है ना। सिग्मा बाई टू ई एप, टू माइनस ई वन ई वन इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ई टू माइनस ई वन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, वेयर एन एन कैप कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सर्फेस एट द पॉइंट, एंड सिग्मा या एस जो भी है इज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें कोई भी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इसको ऐसे कर लेंगे कि मान लो मेरे पास एक ये सरफेस होती, ठीक है, जी तो सरफेस की वजह से यहां जो फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट है, जी हाँ, और जी यहां जो फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट है, ये सरफेस की वजह से फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा मान लो इस सरफेस के अलावा दुनिया में यहां कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ कोई स्फीयर है, यहाँ कोई और बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, इन तमाम तरह की चीजों की वजह से, यहाँ कुछ और चीज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई यहाँ पर है, ई ऐसा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी ई प्लस सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट एन कैप, जी और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई टू उसकी वैल्यू हो जाएगी ई माइनस सिग्मा बाई 2 एप्साइलन नॉट एन कैप। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है ये सरफेस के इतने करीब है कि जो ई में चेंज है वो करीब करीब नेग्लिजिबल है, और ऑब्वियसली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में तो चेंज होगा ही, एक में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ होगी, एक में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ होगी, ठीक नीचे की है। तरफ तो जब मैं ई वन माइनस ई टू निकालूंगा तो ये वाले ई आपस में कट जाएंगे और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाएगा, ठीक ठीक है। जी ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन सर 20th नंबर 20th। टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय अ वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 20th में, बेसिकली मेरे पास एक ये स्फीयर है, ठीक है, ये आर वन रेडियस का है और दूसरा स्फीयर आर टू रेडियस का, और अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये इनको मैंने वायर से जोड़ दिया, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे फिर तो वो कितनी दूरी है, इनका गैप कितना है, ये सब बातें सोचनी पड़ेगी ना। अभी ये जी मानते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, जी वायर को मतलब इसके ऊपर चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई टू आर R2, टू ठीक है। हाँ, जी तो अब ये पूछ रहे हैं अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड देन कह रहे हैं यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड टू ऑब्टेन व्हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखें तो ई वन बाई ई टू हो जाएगी Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर बाई Q2। जी तो Q1 बाई R1, Q2 बाई R2 कट गया, तो ये बेसिकली R2 बाई R1 हो जाएगी, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्फीयर की वजह से वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट होती है, हेलो इसलिए यही रेशो हो जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का,
यानी कि जो चीज साइज में छोटी होगी उसके सरफेस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक ठीक है, तो यहाँ से रेशियो आ गया और ये बात हो गई, जहां पे पॉइंटेड एंड है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसलिए वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो। पोटेंशियल का रिलेशन है क्या? पोटेंशियल बराबर होंगे ना जब तार से जोड़ दिया तो। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंटेड एंड वाले बात। हाँ, तो पोटेंशियल बराबर होंगे। पोटेंशियल बराबर होने का मतलब है कि जहां पे पॉइंटेड एंड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, जी सर, 21वां ई बता का रेशो दीजिए। आर वन बाई आर टू, आर टू बाई आर वन आ गया ना, तो जिसका रेडियस कम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ज्यादा और यानी कि सिग्मा ज्यादा। सर, 21वां। टू चार्जेस माइनस क्यू एन प्लस क्यू आर लोकेटेड एट 0, 0, माइनस एन, 0, 0, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट 0, 0, जेड एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो भाई ये बड़ा खतरनाक हो तुम, ये तो बड़ी सरल सा सवाल है। अगर हम इस चीज को देखें तो इसेंशली अगर मैं जेड एक्स बनाऊं, ठीक है, जी तो ये क्यू रखा है, ये माइनस क्यू रखा है, ठीक है, तो ये डाइपोल जैसी चीज हो गई। ठीक जी है, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, नहीं गड़बड़ी नहीं कर दी, प्लस ए कॉमा जीरो वाले पे क्यू है, ये 0, 0, a है, ठीक है, तो डाइपोल हो गया। तो जब जेड कॉमा 0, 0, जेड पे पूछ रहे हैं एंड आई एम एज्यूमिंग दैट जेड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ये ग्रेटर एक्चुअल पोजीशन पे पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने निकाला था पोटेंशियल एट एक्चुअल पोजीशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, या बेसिकली पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पी जो है वो क्यू इंटू टू ए है और अलोंग के कैप है, तो बेसिकली पी डॉट आर कैप की वैल्यू यहाँ पे वन, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू वन वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू इंटू टू ए अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है और जो दूसरा वाला सवाल है उसमें जो मेरा पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो है, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इक्विटोरियल जी पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है बिकॉज प्लस क्यू और माइनस, अरे गलत बना लिया भाई, ये यहां नहीं है, ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन पे यहां रखा है ना, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या होता है कि प्लस क्यू से माइनस क्यू से दोनों से दूरी बराबर होती है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो दूसरे पार्ट में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली एक डाइपोल की एक्चुअल पोजीशन है, एक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है सर, और 23 23 क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 किलो वोल्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, देखो एक जो कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट से ज्यादा झेल नहीं सकता, तो पहली बात तो हम सीरीज में 3 कैपेसिटर लगा देंगे, ताकि अगर मैं जी इसके अक्रॉस 1000 वोल्ट दूं तो हर कैपेसिटर को खाली 333 वोल्ट, 1000/3 वोल्ट ही मिले। ठीक है, अगर मान लो 2 लगाते तो 500 500 मिलता तो जल जाता, 1 लगाते तो जल ही जाता। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 1/3 माइक्रोफेराड हो गया, बिकॉज 1 1 1 जब सीरीज में लगेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 1 माइक्रोफेराड का, ठीक है, नहीं 2 माइक्रोफेराड का चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी मुझे ऐसी ही 6 यूनिट्स और लगानी पड़ेंगी पैरेलल में, तब 2 माइक्रोफेराड बनेगा। तो इसका मतलब बेसिकली मुझे 18 कैपेसिटर चाहिए। ठीक अठारह है, तो मेरा काम चल जाएगा। सर, 25वां। 25वें में कह रहे हैं ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन ये, तो
तो ये 200 पिको फेराड 200 पिको फेराड आपस में जुड़ करके 100 पिको फेराड हो गए, क्योंकि दोनों सीरीज में है। 100 पिको फेराड और सी 100 पिको फेराड आपस में जुड़ करके 200 पिको फेराड हो गए। सर ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों वो सी टू और सी थ्री सीरीज में है। हाँ। और ये जो दोनों सीरीज से 100 पिको फेराड हुए ये सी वन के साथ पैरेलल में है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। गलत है सीरीज, ठीक है सीरीज पोटेंशियल तो, अरे भाई ये जो चीज पूरी है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यानी कि ये 100 और ये 100 जुड़ करके 200 हो जाएंगे, और फिर 200 और ये 100 फिर से सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट आ जाएगा, और फिर उसके आगे चार्जेस का काम कर लोगे बताएं, चार्जेस हो जाएगा, हो जाएगा उसके बाद, ठीक। तुमने वो गलती कर ली, देख नहीं पाए क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, दोबारा दूसरे वाले तरीके से किया भी नहीं। 31 का जी वाला पोर्शन, 31 का जी वाला पोर्शन, बाप रे बाप जी है क्या, क्या सवाल है, आंसर केयरफुली। तो भाई क्या कहते हैं, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने तुमको एक बात बताई थी कि सपोज करो मेरे पास एक ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनमें मैंने अगर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, उसके सारे पॉजिटिव चार्ज इधर चले आएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ईपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं कहता था ईपी इज इक्वल टू काई ई नॉट, ठीक है, हाँ काई नॉट, ठीक है, हालांकि बुक में इसको एप्साइलन नॉट के साथ दिया बट एक ही बात है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाता है, नेट नेट सॉरी काई ई नॉट नहीं काई ई हो जाता था, ठीक है, और फिर यहाँ से ई नॉट माइनस काई ई इज इक्वल टू ई लिख देने से ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन प्लस काई हो जाता था, जो कि ई नॉट अपॉन के हो जाता था। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि चूंकि वाटर बहुत अच्छा पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए उसके डाइपोल मोमेंट अच्छा है, अच्छा पोलर है, अच्छी पोलैरिटी की वजह से वो यहाँ पर अच्छे से अरेंज करेगा, तो जो ई पी होगी उसकी वैल्यू काफी स्ट्रांग होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर रही है ई नॉट को वो स्ट्रांग होगी, तो ई नॉट माइनस ई पी कम हो जाएगी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली बिकॉज वाटर इज अ गुड पोलर मॉलिक्यूल देयरफॉर इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई। सर एक सर ये अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा क्या ज्यादा, अगर इनफाइनाइट हो जाए तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, हाई से नहीं बिहेव करेगा, ठीक है। सर 32 क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं, अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1.5 एंड 1.4, द आउटर सिलेंडर्स आर एंड द इनर सिलेंडर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 3.5 माइक्रो कूलम, ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, नेगलेक्ट एंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो बेटा क्या हो रहा है, इसको पहले तो मैं इरेज कर दूं फिर बात करता हूं। तुमने क्या किया कि एक इनर सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज दे दिया Q, अभी मैं वेरिएबल में काम कर रहा हूँ, नंबर बाद में ले लेंगे। एक ये आउटर सिलेंडर है जी, इसके ऊपर चार्ज दे दिया तुमने, इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, ठीक। तो अर्थ करने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बाहर से माइनस Q चार्ज आ जाएगा, तभी इसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है जी। अब ये जो बीच का रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट आर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट आर इंटू एल, लेमडा को क्यू बाई एल लिख लिया इंटू 2 पाई एप्साइलन नॉट आर हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, अब यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो जाएगा वो माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा
ड्रॉप है इसलिए माइनस साइन हटा दे रहे हैं, तो वो ई डॉट डी एल गलत शब्द इस्तेमाल कर ले, ई डॉट डी आर लिखना चाहिए, बिकॉज मेरा जो इस प्लेट से इस प्लेट पे जाने में आर चेंज हो रहा है ना, ऐसे चल रहा हूँ अगर मैं इस दिशा में, तो मैं रेडियस चेंज कर रहा हूँ ना, ई डॉट डी आर लिखना चाहिए। तो वन बाई आर का इंटीग्रल एल एन आर होता है, तो क्यू अपॉन टू पाई एप्साइलन नॉट एल, ये बाहर आ जाएगा एल एन आर टू बाई आर वन हो जाएगा, एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन होगा जो कि एल एन आर टू बाई आर वन हो जाएगा। अब मैंने पॉजिटिव यहां से साइन नेगेटिव जो था ये हटा दिया, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इस प्लेट से यहां जाने में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो ये आ गया, तो ये मेरा v आ गया, तो यहां से q बाई v करके 2 पाई एप्साइलन नॉट l ln r2 बाई r1, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे से बात कर लेते हैं, r1 r2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 1.5 अपॉन 1.4, ठीक है। तो एक मैथमेटिक्स में छोटा सा एक्सप्रेशन होता है, यहाँ हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, जब ln ऑफ 1.5 बाई 1.4 करेंगे तो ये ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है, 15 बाई 14 हो जाएगा जो कि 1 प्लस 1 अपॉन 14 हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में कैसे, अरे 15 बाई 14 को 14 प्लस 1 अपॉन 14 लिख करके 1 प्लस 14, अच्छा ठीक, तो एक ही प्रॉपर्टी होती है जो कि मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कि ln of 1 plus x is approximately equal to x if x is very very less than 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन 14 ले लेंगे, ठीक है। बंद करो भाई फोन, फोन बंद करो, तो पहले वाला था क्लास में फोन लेके नहीं बैठो, तो ये यहाँ से तुम्हारा चाहे तो रेशो लेकर के कैपेसिटेंस ले लो q बाई वी, या q की वैल्यू दे रखी हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है, तो दोनों काम हो जाएंगे। पहले पूछे डिटरमाइन द कैपेसिटेंस तो कर ही लोगे, और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इनर सिलेंडर का पोटेंशियल हो जाएगा, बिकॉज आउटर सिलेंडर का तो पोटेंशियल जीरो है ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और बोलो सर, 34 का बी, 34 का तो बी क्या है, डिस्क्राइब द स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पोंडिंग टू अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेंस इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन से जेड, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें मालूम है कि जब डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो मान लो ये मेरी फील्ड है, अरे यार मान लो ये मेरी फील्ड है इस दिशा में z डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमें पता था कि e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास आती जाएंगी, ये बात पता है कि नहीं पता है, हाँ। तो यानी कि अगर मान लो ये मेरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज करो v इज इक्वल टू 100 वोल्ट की, ठीक है, तो और v इज इक्वल टू 90 वोल्ट की यहां है, तो जो अगली वाली होगी उसका गैप थोड़ा कम हो जाएगा, ये हो जाएगी v इज इक्वल टू 80, और फिर अगली वाली का गैप थोड़ा और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 70, अगली वाली थोड़ी और पास आ गई, ये v इज इक्वल टू 60। ऐसी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं जिसका डायरेक्शन डायरेक्शन सेम है z एक्सिस, इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो पैरेलल प्लेन्स हैं, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसलिए उनके इस बीच की स्पेसिंग लगातार घटती जा रही है। A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed in a spherical shell of radius r2 and charge q2. Show that if q1 is positive, charge will necessarily flow from sphere to the shell.
व्हेन द टू शेल्स आर कनेक्टेड नो मैटर व्हाट इज द चार्ज। तो भैया देखो ये तो बड़ा सरल सा सवाल है, ये छोटा वाला स्फीयर आर वन ले लिया जिसके ऊपर चार्ज क्यू वन है, और बड़ा वाला स्फीयर के ऊपर रेडियस ले लिया आर टू और चार्ज ले लिया क्यू टू। ठीक है, तो वी एट आर वन जो हो गया वो हो गया के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू। यहां तक तो कोई दिक्कत? बिकॉज जी अंदर वाले बाहर वाले स्फीयर की वजह से जो अंदर पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो सरफेस पे होता, इसलिए यहाँ पे आर टू आ गया। कोई दिक्कत? हाँ ठीक और वी एट आर टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू वन बाई आर टू प्लस के क्यू टू बाई आर टू। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लेने चलेंगे डेल्टा वी तो ये के क्यू टू बाई आर टू कट जाएंगे तो इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा के क्यू वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो चाहे जो भी कर लो अंदर वाला जो छोटा वाला स्फीयर है इसका पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले पोटेंशियल से ज्यादा ज्यादा होगा। ही होगा। इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगी, बाहर वाले स्फीयर की वजह से तो अंदर कोई मार स्फीयर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, और अंदर ये चूंकि क्यू वन पॉजिटिव है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर से बाहर होगी। तो जैसे ही तार जोड़ोगे वैसे ही जो चार्ज है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चल करके अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर की तरफ चला जाएगा, बिकॉज चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ठीक जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर जस्ट इन द केस मान लो ये क्यू वन पॉजिटिव ना होता, मान लो क्यू वन नेगेटिव होता तो अंदर वाला पोटेंशियल कम होता बाहर बाहर वाला लगा पोटेंशियल दो ज्यादा होता, लेकिन जाता नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर में फ्लो करता है तो वो भी बाहर ही भागता। यानी कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो अगर तार जोड़ोगे तो अंदर वाले स्फीयर को छोड़ के बाहर वाले स्फीयर पे जाएगा। तभी तो कंडक्टर में क्या होता हमेशा चार्ज सरफेस पे आ जाता, लिखा था ना एक प्रॉपर्टी थी। है। हाँ ठीक है, जी तो जी इसका मतलब जी क्या हुआ चाहे जो भी कर लो वो चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर पे जाएगा। ठीक है, अभी बताओ और तुम्हारे कितने डाउट हैं। सर इसके हो गए सर, वो करंट तो इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या हो कहते हैं बंद कर रहे हैं वीडियो, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी नए वीडियो में करते हैं। ठीक है, चलो। गए।